हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है अंडा ग्रेवी या अंडे की करी भी इसको बोलते हैं। इसके लिए आपको चाहिए अंडे, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, टमाटर ग्रैंड किए हुए, धनिया, तली हुई प्याज, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी। तो सबसे पहले छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी को फ्राई कर लेना है और इसी में ज़ीरा ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने एक चम्मच ज़ीरा लिया है। इसके बाद ही लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डाल देना है। ये लगभग 2 बड़ी चम्मच होगी। जब ये गोल्डन होने लगे तो इसी के अंदर टमाटर का पेस्ट डाल देना है। ये 2 मीडियम साइज के टमाटर थे। और इसी के बाद मसाले, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, हल्दी, नमक स्वाद के हिसाब से, और धनिया पाउडर। जब ये सारी चीज़ें पक जाएं तो इसमें प्याज डाल देनी है। इस प्याज को मैंने पहले से ही तल के एक साइड में रख दिया था। इसके बाद एक ग्रेवी बनाने के लिए 1 ग्लास पानी डाला है मैंने इसमें। जब ये सब कुछ पक जाए अच्छे से तो इसके अंदर अंडे ऐड कर देने हैं। और बिल्कुल आखिरी में गरम मसाला थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाला है टेस्ट के लिए। और ये है धनिया। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।